आपको कोई कहे झूठा बोलो तो सच्चा बोलो, तो ये तो आज तक किसी के बारे में सिद्ध नहीं हो कौन झूठा कौन सच्चा। ओशो के बारे में भी तो लोग गालियां देते हैं, बहुत से लोग देते हैं, इसमें कैसे कहा जाता है? राम को लोग गालियां देते हैं, राम के नाम पे हत्या भी होती है, कैसे कह सकते हैं? सच्चा गुरु नहीं और झूठा गुरु, ये सब बकवास बातें हैं। आप अपने अंदर से खुद को सच्चा करिए, ये ज्यादा अच्छा है। वो बिगड़ इसलिए जाते हैं कि शायद उनके पास जो है वो जेल जाने से पहले की एक कहानी नहीं होगी, जैसे मेरे पास थी। मैं संन्यास की तरफ एक कदम बढ़ा था, अपने संबंध में सोच रहा था, उस वक्त जेल का अवसर आया, तो मेरे पास वहां जाके अपने लिए चिंतन था। मैं जेल में पहली बार रोजे रखे, हाँ जेल में पहली बार मैंने रोजे रखे, जेल में मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए आंखें खुल गया। बाहर आके मेरे लिए कोई बुरा नहीं लगता था, मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता। इसीलिए कई बार मैं आशाराम के पक्ष में बोल देता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता, मुझे आशाराम के पक्ष में बोला। कल एक रात को महिला का मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ, दिखाऊंगा आपको। वो कह रही है आपकी बातें बहुत पसंद है, 2 साल से देख रही हूँ, बस पागलों पर देख रही हूँ, लेकिन आपने आशाराम बापू के फेवर में बोल के बड़ा गलत किया। मैंने कहा इसका मतलब तो चुन ही रही है, अगर मैं अच्छा हूं तो फिर सब बात अच्छी होगी, और अगर तुम चुनाव कर रहे हो ये अच्छा ये बुरा ये अच्छा ये बुरा, तो आप फिर प्रेम नहीं करते हो, आप अपने ही दिमाग का चुनाव करते हो। कोई व्यक्ति किसी गुरु की नहीं मानता, मेरा अपना अनुभव है, मेरे पास सैकड़ों लोग रह चुके हैं, कोई किसी की नहीं मानता, सब अपने से जब मामला सेट हो जाता तो मान लेते हैं, और फिर ये बात हम आपकी मान लेते। मैंने कहा ये बात तुम अपनी मान रहे हो, मेरे माध्यम से तो मोहर लगा रहे, सिग्नेचर हो गया बस। हाँ एक एक के लिए कह सकते हैं, बल्कि दो गए हैं ऐसे, दो के लिए कह सकते हैं जिन्होंने कुछ मेरी बातें ऐसी भी मान ली जो मानने लायक नहीं लगती सामान्य दृष्टि। एक दिव्या के बारे में बोलता हूँ और एक और एक लड़का है, मात्र दो ऐसे हैं मेरे, तो आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि मैं उनको बोलूँ जब तो एक मंदिर से कूद जाएंगे सोचेंगे। लेकिन ये हिप्नोटाइज भी हो सकता है कि किसी को आप बोले, लेकिन अगर हिप्नोटाइज इस तरीके का होता तो हिप्नोटाइज में प्लेजर नहीं होता, हिप्नोटाइज डेड होता है। हिप्नोटाइज जो होता है उसकी आंखें डेड होती है, उसकी बातों में कोई प्लेजर, उसके चेहरे पर कोई प्लेजर नहीं होता। ये बात भी फिर समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग तुम पे ये भी आरोप लगाते हैं हिप्नोटाइज। मैंने कहा मैं भी इस बात के लिए गुस्सा होता, मैंने कहा अगर हिप्नोटाइजिंग करना तो मोदी को क्यों नहीं करता यार, मैं हिप्नोटाइज तुम्हें क्यों करूंगा, मैं हिप्नोटाइज नीलेश को क्यों करूंगा कि उसको अपने घर बुलाऊंगा, उसके घर के लिए पैसे भेजूंगा, उसका इलाज भी करूंगा, उसे ठीक भी करूंगा, और जितने नीलेश को हिप्नोटाइज कर लिया, ये क्या बात है? कोई बुद्धि में होना चाहिए इस संबंध में। देखो मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा कोई ये नियम है आप पालो, क्योंकि मुझे सदा से ये लगता है कि बनाए हुए नियम ही वो अपराध होते हैं जिसके कारण लोग बिगड़ते हैं, बल्कि कहीं कहीं पे ऐसी बदतमीजियां जरूर की कि लोगों को लगा ये आदमी गलत है। मैं आप में से मुझे कई लोग ऐसे हैं ये हैं जानते हैं, मैंने स्पेशली कभी मैंने सिर्फ एक ड्रम तोड़ने के लिए शराब भी पी होगी, नहीं तो मेरे पास हर समय घर में रखी रहती, मैं कभी नहीं पीता। स्पेशली ड्रम तोड़ने के लिए मैंने ऐसी हरकतें की होंगी जिससे आपके भ्रम टूट गए, असलियत में मैं वैसा कुछ भी नहीं करता। सामान्यता लोग जो हैं मतलब सिर्फ एक तस्वीर से आपकी छवि बना लेते हैं, और ये सबके लिए है, आप सब ऐसे हो सकते हैं किसी एक तस्वीर को लेके यहां भी आ गए, वो तस्वीर मेरे बारे में भी हो सकती थी, कोई ये बात सुनकर बहुत अच्छी, वो तस्वीर भी मत बनाना, और एक तस्वीर तो ऐसी है मुझे लगता है वो भी तोड़नी चाहिए मेरे बारे में बन गई, मैं आपकी सब बात सच बोल देता है, मैं सोचता हूँ थोड़े से झूठ भी बोल, ये सच की तस्वीर बड़ी खतरनाक हो रही है, क्योंकि सच मेरा हो सकता है, आपका सच आपका होगा, इसमें कंपैरिजन क्यों करो कि ये बात सच है वो बात सच है। आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को जियो, मैंने परसों इसकी एक बात लिखी थी और वो बात सबसे अच्छी है, उसी को मानो, उसके अलावा मेरी कोई पोस्ट मत मानना। कि बुद्धत्व के संबंध में कैसा होता है वो सब मत देखो, कि मुक्त व्यक्ति ऐसा होता है वैसा होता है, तुम अपने बंधनों को पहचानो, उन पे काम करो, लड़ो और मुक्त हो जाओ। क्या जरूरत है तुम्हें, वो तो ऐसे होते हैं और मुक्त ऐसे होते हैं,
मेरे संबंध में अननेसेसरी लोग चर्चा कर रहे हैं, बुद्ध है कि नहीं है। मैंने कब कहा, और कई बार कहा तो और ढंग से कहा, और सच बताया मुझे बुद्धत्व का लेना देना क्या, क्यों मैं बुद्धत्व के पीछे पागल होता हूँ या कोई भी क्यों पागल होता है, कौन सा लालच है जो बुद्धत्व की तरफ लेके जाता है। नहीं, अगर आप उस रस्ते का परीक्षा नहीं दे सकते, पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप उस रस्ते में बढ़ क्यों गए, यहां तक आए, आप लोगों ने बस का गाड़ी का पेमेंट किया नहीं किया। अब आपको बताओ जीसस होना है तो सूली पेमेंट करो, कौन कर रहा वो तो होना है तो घर छोड़ना पेमेंट कौन कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आप पेमेंट नहीं करना चाहते और वो होना चाहते, तो मैं ये कहता हूं आप कृपा करके कुछ मत हो, क्योंकि उस पे पेमेंट है। आप जो खुद होना चाहते हो वो करो, वही फ्री है। आप जो खुद होना चाहते हो वो करो, उसके लिए आपसे कौन पैसा मांगता है और कौन कुछ कहता है, फिर आपकी जिंदगी खुद आपकी परीक्षा ले लेगी। नहीं, आपकी जिंदगी आपकी खुद परीक्षा लेगी। तो फिलहाल मैं आरंभिक जो बात है, जो जितने मिल जागे और जो आएंगे वो आएंगे, आरंभिक में बस दो तीन बातें उनको कह दो, फिर हम लोग आराम से आगे बात करेंगे। पहली बात ये दोनों बड़े प्यारे पति पत्नी हैं, वैसे ये प्रेमी हैं, पति पत्नी का इन्होंने केवल टैग लगाया है ना, और इनका टैग जो है समाज को धोखेबाज लोग हैं, इनके भरोसे में मत रहना। कोई बात नहीं, तो ये जो चीजें हैं, तो पहली बात यह है कि ये प्रेमी जोड़ा यहाँ पे जो है वो इस व्यवस्था को संभाल रहा है। निश्चित ही व्यवस्था संभालना एक बहुत पीड़ादायक चीज़ होती है, लोगों को पता नहीं। तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर यहाँ कुछ आपको कमी नज़र हो, कुछ आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ आपको नहीं उपलब्ध है या आपकी ज़रूरत है, तो दो बातें कर सकते हैं, सरलता से आपसे कहें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आप इनके सहयोगी बन के वो चीज़ में हाथ बटा सकें तो वो भी बताएं, ठीक है। ये एक पहला जो चरण है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ एक सहयोगी की ज़रूरत है। ये लोग अभी जल्दी ही कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही ऐसा है यहाँ पे इस तरीके के लोग आए, तो गलतियाँ होने की संभावना रहती है। मैं बहुत समय के अनुभवों से गुजरा हूँ, तब भी जानता हूँ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो फिलहाल पहला तो स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये होगा कि किसी भी तरीके की सोच बना के, जब भी मैं रखूँगा कि फला वक्त हम बैठेंगे, तो कोई सोच बना के ना आए, कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई भी ध्यान के संबंध में कोई सेशन सोच के ना आए, मेरा मूड अगर मौज जमी, मुझे लगा कि ज़रूरत है तो मैं ध्यान करवा दूँगा, नहीं मैं ध्यान करवाने के कोई वादे से नहीं होता हूँ, मैं तो मौज देखता हूँ। कभी कभी इंसान को शब्दों से समझाया जा सकता है, कभी कभी मौन से समझाया जा सकता है। अगर मुझे लगेगा वक्त है मौन से समझाने का तो मैं ध्यान से समझाऊंगा, और जब मुझे लगेगा कि शब्दों से कहना तो मैं शब्दों से कहूंगा। कभी कभी हम लोग गप्पे मार के बात कर सकते हैं, कभी कभी किसी और ढंग से, तो प्लीज़ मेरे साथ कोई भी ढंग ना समझे, मैं बहुत उल्टा आदमी हूँ। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी मैं आपको समय दे के बुलाऊँ और कोई बात ही ना करूँ, तो पॉसिबिलिटी हर चीज़।